नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटी न्यूज के चैनल में। मैं आज बात कर रहा हूँ बीटीएससी जेई 2019 के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूंगा। दूसरा पॉइंट मैं बात करने वाला हूँ बीटीएससी जेई 2020 का रिजल्ट कब आने वाला, इस तमाम पहलुओं पर मैं बात करने वाला हूँ। एक चीज और बोलूंगा, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, किसी तरह से आपको नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि क्या है। बात करते हैं बीटीएससी जो है जेई 2019 के एलिजिबिलिटी की बात करें तो जैसा कि फॉर्म जब निकला था सभी लोगों को पता है कि 2018 तक की जो फॉर्म में एलिजिबिलिटी थी, लेकिन बात सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि 2019 वाले के होगा या नहीं होगा, ये काफ़ी कमेंट बॉक्स में पूछा गया था और मैंने सोचा किसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों को बताई जाए कि 2019 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकती है। आपके भी माइंड में अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए 2019 की मैं बात करूं तो 2019 में सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि जिनके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, यानी जो डिग्री होती है 2 साल बाद आती है, जैसे कि आप कॉलेज में होते हैं कॉलेज के बाद या 2 साल के बाद जो डिग्री आती है वो ऐसी डिग्री है तो फिर उनका होना 100% तय है। लेकिन इसके बीच कई फर्जी डिग्री भी आ गई है, सरकार उस पर नजर बनाई हुई है। आपके दिमाग में आएगा कि उनका चेक कैसे होगा, तो 3 लेयर चेक किया जाएगा। 3 लेयर का मतलब ये होगा कि पहले तो बीटीएससी में चेक किया जाएगा, दूसरा पॉइंट आपको उसको कॉलेज लेवल पर चेक किया जाएगा, फिर इसके यूनिवर्सिटी लेवल पर चेक किया जाएगा। ऐसे लोग जो गलत तरीके से इसमें एंट्री मारी है उनका खैर नहीं है, उनकी नौकरी बिल्कुल ही नहीं होगी। लेकिन एक चीज और है कि अगर आप सही से अगर आपने तैयारी की है, सही से आपका डॉक्यूमेंट है तो आपके डरने की जरूरत नहीं है। वैसे जो लोग हैं जो फर्जी वाले हैं उनके ऊपर सरकार की पहली नजर है और गलत तरीके से किसी की भी पोस्ट नहीं हो सकती है। उनका मानना यही होता है कि ऐसे डिग्री कोई फर्जी से करके उन चीजों को डिले करना चाहते हैं। डिले करने से पता होती है कि वैकेंसियां कैंसिल हो जाती है, कई सारे समस्याएं निकल के सामने आ रही है। 2019 वाले भी अगर सरकार से कह सकते हैं कि सर अगर मुझे एलिजिबिलिटी नहीं तो आप लोगों ने फॉर्म क्यों अप्लाई कराया, कई साल से सारे सवाल निकल के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। जब हम एलिजिबल हैं तो हमें भी लेना चाहिए। ये सारे पहलुओं पर एक बात है कि सरकार की पहली नजर है कि सबसे बड़ी चीज यहां पर सब कुछ ठीक रहा तो एक बात मान लीजिए कि जो आपका रिजल्ट है जून के लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आने का सबसे बड़ा चांस है लग गए। लेकिन अगर बहरहाल इसमें इसी तरह से जो चीजें हैं अगर सही से नहीं हुआ तो ये और डिले हो सकता है। ये सबसे बड़ी खबर साथ निकल के आ रही है जो बीटीएससी से निकल के आ रही है। तो आई होप हम तो यही कहेंगे कि जो बीटीएससी जेई का है उनका सब कुछ ठीक हो, तो ये चीजें हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 2019 वाले एलिजिबल हैं और उनके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट हैं तो वो एलिजिबल है और इस जॉब में उनका सिलेक्शन हो सकता है, आप टेंशन ना लीजिए। तो आज की न्यूज में यही था, आपको वीडियो कैसी लगी आप इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा, अगर आपका कोई सुझाव है तो भी आप बताइएगा। तो चलिए वक्त हो गया है विदा लेने का, देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीजी न्यूज चैनल के साथ। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।